हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो शेयर मैं आपके पास लेके आया हूँ वो है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ये एक पेनी शेयर है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग को सबको इसको बाई करना चाहिए और या रखना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बट इसे वॉचलिस्ट जरूर रखना चाहिए। इसे 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनी हो सकता है। और सेंटीमेंट देखिए इसका कितना, 93% लोग बाई का सेंटीमेंट देते हैं। एक्चुअल में है क्या चीज़, एक ये कंपनी है जो कि आप देखेंगे सोलर पावर से रिलेटेड है। ये देखिए ये क्या क्या है, इसके ब्लॉक्स है, इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो आप इसके होम पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये क्या क्या बनाती है। और ये सोलर से रिलेटेड सारे काम करती है। आप देखिए यहाँ पे इनकी ये फैक्ट्री है, ये देखिए सोलर से रिलेटेड ये वर्क करते हैं, ये बैटरी बनाते हैं, ये ई रिक्शा बनाते हैं। इनकी प्रोडक्ट लिस्ट में जाएँ तो देखिए LED लाइट्स है, PV मॉड्यूल है, चार्ज कंट्रोलर है, सोलर लेंटेन है, पावर पैक है, होम लाइटिंग है, सोलर चार्जेज है, कंट्रोलर है, तो ये सब चीज़ें इनकी। ये देखिए आप यहाँ पे सोलर वाटर पंप है, सोलर पैनल है, ये रिक्शा तो आपको बताया ही। ये देखिए इन्वर्टर है सोलर का, सोलर स्ट्रीट लाइट भी है, तो सोलर ये सब बना करके इनका ट्रेडिंग का काम है। सोलर के पावर को ट्रेडिंग का काम इनका मेन है। तो ये इस एक्टिविटी में सोलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और आगे जा करके आपको जैसा मालूम है कि सोलर पावर में गेन आएगा तो शायद इसमें भी गेन आएगा। इसमें एक वीकनेस की बात करो तो मैं सिर्फ इतनी ही वीकनेस है कि इसकी ये PE जो है आप देखिएगा 67 है, जबकि इंडस्ट्री की PE 28 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हाई PE पे मिल रहा है। बट मैं जब इसके बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये सिर्फ जो बुक वैल्यू है आप वहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए बुक वैल्यू 3.21 करोड़ की है। और वो प्राइस वैल्यू आप जो समझ रहे हैं जो मिल रही है आपको, वो सिर्फ 0.78 रुपीज़ में मिल रही है। तो बहुत कॉस्टली तो नहीं है, आप इसको 500 शेयर लेकर के रख सकते हैं। और अगर डिलीवरी परसेंटेज है तो देखिए लास्ट 3 डेज का 59%, 5 डेज का 56%, 8 डेज का 50%। क्या डिलीवरी दे रहा है, डिलीवरी भी आपको अच्छा लगा होगा इसका। अब चलिए इसके रिटर्न को भी देखते हैं। अगर मैं इसके रिटर्न को देखूँ ये क्या दे रहा है, रिटर्न हाल फिलहाल क्या दिया हुआ ये आप अभी रिसेंटली ये 20 सितंबर को यहाँ से देखेंगे तो रिटर्न आया है यहाँ पे कुछ 2.75 रुपये के आसपास, 2.81 के आसपास हुआ करता था, वहाँ से रिटर्न आया था। और फिर ये नीचे बॉटम बनाया था 1.71 का और 2.5, फिर वापस 2.4 के आसपास ये अभी वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल रिटर्न को देखूँ, मैं अगर इसके हिस्ट्री प्राइस को रिटर्न को देखूँ तो अगर मैं इसके 2 ईयर को गेन को देखूँ तो ये देखिए शेयर जो हुआ करता था ये 0.91 का होता था, आज 2.49 है। तो जिसने भी इसको 0.91 के आसपास लिया होगा, जिसको 173% का गेन हो रहा होगा। चलिए एक साल पहले अगर किसी ने इसको 1.12 रुपये पे लिया रहता तो भी आज इसको गेन होता 122%। एक वीक पहले भी अगर आप लिए रहते 1.86 में तो भी आपको 2.49 का गेन होता, तो भी 33% का गेन होता अगर आप 1 वीक पहले भी इसको लिए रहते। और इसमें अभी भी कुछ गया नहीं, खोने को कुछ है नहीं। मुझे लगता है इसको लेकर के आप जैसा सेंटीमेंट बता ही रहा है इसका कि 93% बाई पे है। और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग आपने देखी थी जो कि कल थी लास्ट क्लोजिंग, इसको ये ओपन हुआ था 235 पे और क्लोज दिया है इसने 240 की क्लोजिंग दी है, प्रीवियस 220 था, तो बढ़ के ही हो रहा है। आप अपर सर्किट देख रहे हैं 9% का गेन दिखाया है इसने 20 पैसे का। वॉल्यूम देखिए 9,53,000, ऐसा नहीं कि कोई लोअर वॉल्यूम हो रहा है। NSE पे 9,53,000 और 5 लाख, और NSE और BSE के भाव में देखिए 9 पैसे का अंतर है। BSE पे 2.49 मिल रहा है तो NSE पे, तो मैंने अभी भी प्राइस ये प्रीमियम पे है, अभी भी इसको बाय करने से अभी टाइमिंग फायदा है। लेकिन हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलता कि इसको आप ले गए तो हो सकता है ये नीचे नहीं है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन जब इतने मार्केट में गिरावट है तो भी इसमें कोई गिरावट अपने को देखने को नहीं मिल रही है, तो ये मैं एक अच्छा ट्रेंड मानता हूँ। पब्लिक शेयर होल्डर के अगर आप पैटर्न देखें, अगर आप टोटल इसके शेयर होल्डर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 33% इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है। और एक अच्छी बात बताओ, इतनी छोटी सी कंपनी है और 126 करोड़ का इसका जो वर्क कैपिटल कैपेक्स है, आपको दिखाया 126 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, उसके बावजूद आप देखेंगे तो आप देखिए इसने कोई भी शेयर अपना प्लीज नहीं रखा, गिरवी नहीं रखा है। तो अगर इतनी बड़ी होल्डिंग होकर के भी कोई नहीं रखी है
तो मेरे अंदाज से कोई खराब तो नहीं है। और इसके शेयर होल्डर परसेंट में देखें तो NRI मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, देखिए NRI 1% की होल्डिंग रखता है इसमें, और जो सबसे बड़ी होल्डिंग है बॉडीज कॉर्पोरेट है 12% से। उसके बाद देखेंगे तो MDS इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राइवेट लिमिटेड 4% 5% की होल्डिंग रखता है इसमें। ये होल्डिंग परसेंटेज है इनके, लोकनाथ विनाथ प्राइवेट लिमिटेड जी ने रखा हुआ है, आदित्य विक्रम अग्रवाल जी ने 1% रखा हुआ है, इंडिया विनाश सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 2.7% लेके रखा रहा है। तीन लोगों ने अपनी कुछ कुछ पोजीशन बना करके रखी हुई है, और HUF बना के ये इन्होंने 3.21% को रखा है। तो ये खराब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी नहीं दिख रहा है। और फाइनेंशियल इस साल का अगर आप छोड़ दें, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल को अगर मैं देखूँ, तो लास्ट ईयर के अगर मैंने ईयरली रिजल्ट को देखो तो वो खराब मुझे रिजल्ट में तो नहीं दिखा। आप देखेंगे 117 से 126 का सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट में मैं आपको दिखाऊँ तो बढ़ा ही है, ऐसा नहीं कि लॉस में गया है। 1,60 से 174 की प्रॉफिट आई है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, 155 का 170 आया है। तो कहीं से भी रिजर्व सरप्लस में भी देखिए आप, जो रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व जो है ये 71 का 72 है, मतलब कि रिजर्व में इनके पास भी 72 करोड़ का है। तो कहीं से भी थोड़ा खराब तो नहीं दिख रहा है, बट इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के शेयर है। और रिसेंटली एक न्यूज भी है कि इसने जो है ये टाई अप भी किया हुआ है, रिसेंटली आप देखेंगे तो एक न्यूज है इनकी, आप ये किसी के साथ आप देखेंगे, ऊर्जा ग्लोबल हैज साइंड ए बिजनेस कॉपरेशन एग्रीमेंट विथ मास्कर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी, ए चाइना बेस्ड कंपनी, इन सेप्टेम्बर 23। तो इन्होंने 23 सितंबर को चाइना से एक मास्कर सोलर एनर्जी के साथ अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप ए बिजनेस इन द इंडिया मार्केट एंड टू एवेल इट्स टेक्नोलॉजी बेनिफिट। ये कब का न्यूज है आप देखेंगे तो ये 24 सितंबर 2018 का न्यूज है। तो यहाँ पे भी ये काम कर ही रही है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है। फाइनेंशियल अच्छा ही दिख रहा है आपको, प्रॉफिट ट्रेंड अच्छा ही दिख रहा है, अपने जो होल्डिंग है वो भी अच्छी दिख रही है आपको। ये स्प्लिट हुआ था 13/7/2015 को, फेस वैल्यू 10 का था, न्यू फेस वैल्यू 1 का है। तो 13/7/2015 को ये 16/9 को एक्स स्प्लिट डेट था, ये 1 रुपये की शेयर वैल्यू हो गई है ये। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 डेज का ट्रेंड देखेंगे तो ये पहला दिन बढ़ा है, 1.87 से था, फिर यहाँ पे 1.79 हुआ, फिर यहाँ 2.07 हुआ, 2.27 हुआ, फिर 2.49 हुआ। तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड को ये पकड़ के बैठा हुआ है। चार्ट में भी देखेंगे तो आपको देखेंगे, ये देखिए कंटिन्यूस ये अप ट्रेंड लेकर के बैठा हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न को दिखा रहा था, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न तो बना था, बट यहाँ पे कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब मैं आपको देखिए कुछ चार्ट लगा के, CCI का चार्ट देखिए आपको पॉजिटिव की ओर बता रहा है, आप खुद देखिए इसको, ये चार्ट देखिए अप साइड दिखा रहा है आपको। तो CCI आपको ले रहा बाइंग के लिए बोल रहा है। यहाँ पे RSI देखेंगे तो थोड़ा मोटा न्यूट्रल पैरेलल में चल रहा है। RSI देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है, देखिए RSI ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है। और अगर मैं आपको WR Willingness का लगाऊँ तो ये देखिए क्या सॉलिड परसेंटेज बाय का दे रहा है। तो लगभग सारे जो अभी आप देखेंगे इसमें लेबल जो है ये मुझे पॉजिटिव ट्रेंड का ही सिग्नल दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड को छोड़ दूँ, सुपर ट्रेंड को अभी बाय सिग्नल नहीं दे रहा है, अभी ये न्यूट्रल का सिग्नल दे रहा है। तो सुपर ट्रेंड हटा दूँ मैं इसको, तो अभी जो इसका ये जो है आपको दिखा रहा है वो भी आपको बाय सिग्नल के, मैंने एटलीस्ट स्टे करने बोला, अभी तक इसको निकलने नहीं बोला है। पैराबोलिक सिग्नल भी देखे तो आप वहाँ पर बाय ही है। तो अब कहीं से भी देखें तो अभी चार्ट में थोड़ी वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही है। और वॉल्यूम लेवल पर भी देखें तो वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ पे से बढ़ते हुए ये बढ़िया बढ़ी और बढ़ी रही है, लगभग पैरेलल को बन रही है। तो वॉल्यूम लेवल भी अपसाइड से ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आई है, बट वॉल्यूम लेवल भी ठीक ही मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे गिरावट के बाद जब आई थी उसके बाद तो वॉल्यूम लेवल भी सही मेंटेन हो रहा है इसका। तो ये हर तरीके से मुझे एक पॉजिटिव ट्रेंड इसमें दिखता है। अगर आप देखिए इसके मैं इसके एक्सपोनेंशियल एवरेज को सबको रखा हुआ 20 दिन के 9 दिन का, तो 9 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ये क्रॉस कर चुकी है, जो कि 2.06 था, इसको क्रॉस कर चुका है। अब ये देखिए तो उसके बाद 20 दिन के भी एक्सपोनेंशियल को क्रॉस कर चुका है, जो कि 2.188 था। और अब ये क्रॉस करने वाली है इसको, इस लाइन को, जो कि इसका 50 दिन का है 2.63,
अगर ये इसको क्रॉस करती है तो फिर आपके 100 दिन के एक्सपोनेंशियल 3.15 पे भी जा सकता है, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, फिर अच्छा आपको 3.97 का भी ट्रेंड मिल सकता है। तो ये अब सर्किट ली हुई है, अगर लेगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको 500-500 क्वांटिटी के शेयर को आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 500-500 क्वांटिटी के शेयर लीजिए और इसकी पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, देखिए आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो एक बार मैं इसके सारे, अगर ये सारे अगर टेक्निकल चार्ट को हटा दूं मैं, एक बार वॉल्यूम को भी हटाते हैं, इसको सारे RSI को सबको हटा देते हैं एक बार, सारे सिग्नल को हटाए, तो आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ से एक बार जो अब इसके टेक्निकल 2.39 पे यहाँ पे है, अब देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, फिर आप कैसा गैप अप ओपनिंग दे रहा है ये, यहाँ से इंडिसिसिव डिसीजन बना था, डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं, यहाँ कुछ हैमर कैंडल बना था, उसके बाद डोजी कैंडल बना, और फिर यह देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हैमर कैंडल टाइप का ही बन रहा है, इसके लिए यहाँ से जंप लिया है, तो यहाँ से अगर जंप लेता है, वापस एक जंप लेता है ये, तो आपको यहाँ पे 2.60, और अगर ये लेवल को तोड़ता है 2.80 को, तो फिर ये अच्छे खासा फिर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, 3.01 के आसपास मिलेगा, और यहाँ एक इसको 3.20 के पास एक बार इसका रेसिस्टेंस है, जहाँ से ये फॉल करता है, आप देखेंगे तो ये 3.2 के आसपास से, 3 के आसपास से यहाँ से फॉल किया था, तो अगर मैं इस लेवल को लूँ, यहाँ पे रखो 3.20, जहाँ से ये ऊपर जा बार बार इसको फॉल आता है, तो 3.20 तक यहाँ तक अपने को देखने को आता है कि यहाँ तक जा सकता है। और आपको बताया था मैं ये 3. जो आप देखेंगे ये सिग्नल 3.15 जो इसका 100 डेमा है, तो 100 डेमा तक जाके वो फिसलता है, अगर उसको क्रॉस करता है और ये 200 डेमा को क्रॉस करता है, 3.97 को क्रॉस करता है, 3.97 और 4 के आसपास क्रॉस करता है, तो आप यहाँ से एक बहुत ही बड़ी उछाल देखने को मिलेगी, जो आपको यहाँ तक लेके जाएगी 4.5, और फिर ओपन स्काई में जा करके 5-6 भी दिखाएगा। तो ठीक है, ईयरली रिटर्न भी अगर 100% है, तो इस शेयर की क्लोजिंग में मानो तो इसको अगर एक था तो 3 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग होती, हर साल 1 रुपये का आपको गेन मिलता तो भी कोई ख़राब नहीं है। तो आप इसको देखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो था, लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके सामने ऐसे ही और भी पेनी स्टॉक मल्टीपेगर स्टॉक लेके आते रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें, ख़राब लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट करें, और आपको लगे कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, करना चाहिए मुझे, तो आप बताइए, तब हम और भी अच्छे से इसको इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने फिर से लेकर के आएंगे। बस आज के लिए धन्यवाद।